नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, बहुत ही खास है, क्योंकि हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आता हूँ, नई नई टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूँ और तेलुगु भाषा को बहुत ही आसान विधि में छोटे से लेकर बड़े क्रम में आप लोगों को सिखाते रहता हूँ, सिखाता हूँ ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आज भी मैं जो विषय लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने चाहा है कि इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सीखें, समझें और समय के अनुसार दूसरों के ऊपर उपयोग करने का भी प्रयास करें। हो सकता है वही वाक्य अगर हम भी ऐसे होंगे तो हमारे ऊपर भी प्रयोग हो सकते हैं। दोस्तों, विषय क्या है वो भी हम जान लेते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आज का विषय आपके लिए सही में हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर समय पर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो विषय है उसी के माध्यम से। तो चलिए फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अपना जो विषय है बहुत ही खास है, क्या है मालूम है? वो है आलस। क्या दोस्तों? आलस। दोस्तों, आप सभी को ये तो मालूम है कि आलस इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, सही बात है ना, क्योंकि समय पर काम नहीं करता है, हर काम को जी चुराता है, भविष्य में क्या कर पाएगा दोस्तों? कुछ नहीं कर पाएगा खास। इसीलिए मैंने जो सोचा क्यों ना आज इसी विषय पर आप लोगों को हिंदी के माध्यम से तेलुगु में ऐसे वाक्य छोटे से बड़े क्रम में बताऊं जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट हम इसका अर्थ जानते हैं और छोटे से बड़े क्रम में वाक्यों को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। दोस्तों, आलस, आलस को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बद्धकम। क्या बोलते हैं? बद्धकम, आलस करना, आलस करना। बद्धकिंचडम, क्या कहा दोस्तों? बद्धकिंचडम, आलस कर रहा है, आलस कर रहा है। बद्धकिस्तुन्नाडु, अगर कोई लड़का कोई काम में आलसी मतलब आलस करता होगा तो हम क्या बोलेंगे सामान्य रूप में? आलस कर रहा है। बद्धकिस्तुन्नाडु, अगर कोई लड़की आलस करती होगी तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बद्धकिस्तोंदी। क्या बोलेंगे? बद्धकिस्तोंदी। तुम आलस कर रहे हो, तुम आलस कर रहे हो। नुव्वु बद्धकिस्तुन्नावु, नुव्वु बद्धकिस्तुन्नावु। तुम, नुव्वु, तू, नुव्वु बद्धकिस्तुन्नावु, आलस कर रहे हो। बद्धकिस्तुन्नावु, आलस कर रहा है। इन दोनों रूपों में हम तेलुगु भाषा में इसी एक ही प्रकार को हम उपयोग करते हैं दोस्तों। अगर कोई लड़की के बारे में हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तुम आलस कर रही हो, तुम आलस कर रही हो, इसी प्रकार बोलेंगे। कैसे? नुव्वु बद्धकिस्तुन्नावु, नुव्वु बद्धकिस्तुन्नावु। आलस किया, आलस किया। बद्धकिंचाडु, बद्धकिंचाडु। अगर कोई लड़की आलस करेगी कैसे बोलेंगी? बद्धकिंचिंदी, आलस की। क्या कहा दोस्तों? आलस की, बद्धकिंचिंदी। और लड़का होगा तो बद्धकिंचाडु, और लड़की होगी तो बद्धकिंचिंदी। दोस्तों, अभी हम छोटे छोटे वाक्यों को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। कौन आलस किए, कौन आलस किए? एवरो बद्धकिंचारु, एवर बद्धकिंचारु। कौन, एवरु आलस किए, बद्धकिंचारु, एवर बद्धकिंचारु। मैं आलस नहीं करता, मैं आलस नहीं करता। नेनु बद्धकिंचनु, नेनु बद्धकिंचनु। मैं, नेनु आलस नहीं करता, बद्धकिंचनु। अगर दोस्तों एक से ज्यादा लोग होंगे वहां पर आलस ये जो शब्द होता है हम आलस नहीं करते इस वाक्य का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे? मेमु बद्धकिंचमु, मेमु बद्धकिंचमु। अगर एक होगा तो क्या बोलेगा? नेनु बद्धकिंचनु, नेनु बद्धकिंचनु। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एक से ज्यादा होंगे मतलब हम आलस नहीं करते हैं या हम आलस नहीं करते। मेमु बद्धकिंचमु, इस प्रकार से दोस्तों हम सभी आलस कर रहे हैं, हम सभी
आरस कर रहे हैं। मे मंदरम बद्धकिस्त नमु, मे मंदरम बद्धकिस्त नमु, हम सब या हम सभी आलस कर रहे हैं। बद्धकिस्त नमु, मे मंदरम बद्धकिस्त नमु। होता है ना दोस्तों, आप पूरा काम किए रहेंगे, कोई आके आपको दूसरा काम दे देता है तो उनको मना भी नहीं कर पाते, लेकिन मुंह से थोड़ा निकल जाता है ना, थोड़ा आलस कर रहे हैं, मतलब आलसी लग रहा है, हम जा नहीं सकते या थक गए, मतलब बोलने का रीजन बहुत होता है। सही बात है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप बड़े हैं, आपसे कोई छोटा कोई काम करने के लिए आलस करता होगा या बहुत सुस्ताता होगा, तो उस समय आप क्या बोलते हैं? आलस करना अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना, आलस करना अच्छा नहीं है। इसे हम तेलुगु में कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, बद्धकिंचडम मंचिदि कादु, बद्धकिंचडम मंचिदि कादु। आलस करना बद्धकिंचडम अच्छा नहीं है, मंचिदि कादु, बद्धकिंचडम मंचिदि कादु। दोस्तों कोई काम करते समय आलस करता होगा, देर करता होगा, मतलब दिल से नहीं करता होगा, तो उस समय आप क्या बोलेंगे? पीटेंगे क्या? बताएंगे ना कि काम करते समय आलस मत करो, काम करते समय आलस मत करो। पनिचेसेटप्पुडु बद्धकिंचोद्दु, पनिचेसेटप्पुडु बद्धकिंचोद्दु, काम करते समय पनिचेसेटप्पुडु आलस मत करो, बद्धकिंचोद्दु, काम करते समय पनिचेसेटप्पुडु या पनिचेसे समयंलो। इन दोनों शब्दों में आप किसी एक जो शब्द होता है उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पनिचेसे टपड़ो या पनिचेसे समयम लो, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। आलस मत करो, बद्धकिंचोद्दु, पनिचेसे समयम लो, बद्धकिंचोद्दु, इस प्रकार से। दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते समय भी आलस करते हैं, नींद आ जाते रहता पढ़ पढ़ के, सोने लगते हैं। सही बात है ना। तो स्कूल का टीचर हो या घर के माँ बाप हो, भैया दीदी हो, क्या बोलेंगे? पढ़ते समय आलस मत करो, पढ़ते समय आलस मत करो, कैसे बोलेंगे? चद्वेटप्पुडु या चद्वे समयंलो, बद्धकिंचोद्दु, क्या बोलेंगे? चद्वे समयंलो या चद्वेटप्पुडु बद्धकिंचोद्दु। पढ़ते समय चद्वेटप्पुडु या चदिवे समयंलो आलस मत करो, बद्धकिंचोद्दु। एक काम को करते करते आलस सा लग रहा है, एक काम को करते करते आलस सा लग रहा है। ओक पनिनी चेस्तू चेस्तू बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी, ओक पनिनी चेस्तू चेस्तू बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी। एक काम को ओके पनिनी करते करते चेस्तू चेस्तू आलस सा लग रहा है, बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी। ओक पनिनी चेस्तू चेस्तू बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी। अगर हम एक काम को बोले हैं दोस्तों, अगर हम बोलेंगे एक ही काम को, क्या बोलेंगे? एक ही काम को करते करते आलस सा लग रहा है, तो इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? क्या कहा दोस्तों? एक ही काम को करते करते आलस सा लग रहा है, हम बोलेंगे ओके पनिनी, क्या बोलेंगे? एक ही काम को ओके पनिनी करते करते चेस्तू चेस्तू आलस सा लग रहा है, बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी, ओके पनिनी चेस्तू चेस्तू बद्धकंगा अनिपिस्तोंदी। दोस्तों जब वाक्यों में ने नी का की लगता है ना दोस्तों, उसका जो बोलने का सेंस होता है ना दोस्तों, थोड़ा जो संदर्भ होता है थोड़ा अलग होता है, उसीलिए मैंने एक ही वाक्य को आप दो रूप में बताया है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों वाक्यों में आप किसी एक का उपयोग कर सकते हैं समय के हिसाब से। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आलस करने से कोई काम नहीं होगा, आलस करने से कोई काम नहीं होगा। बद्धकिस्ते ये पनी अवदु या जरगदु, बद्धकिस्ते ये पनी अवदु जरगदु। आलस करने से बद्धकिस्ते कोई काम ये पनी नहीं होगा, अवदु या जरगदु। क्या कहा दोस्तों? बद्धकिस्ते ये पनी अवदु, नहीं तो जरगदु। इन दोनों शब्दों में आप किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अवदु भी बोल सकते हैं या जरगदु भी बोल सकते हैं। आलस करने से बद्धकिस्ते कोई काम ये पनी नहीं होगा, अवदु या जरगदु। ज्यादा आलस करने से तुम्हें काम में नहीं रखेंगे,
ज्यादा आलस करने से तुम्हें काम में नहीं रखेंगे। ఎక్కువగా బద్దకిస్తే నిన్ను పనిలో ఉంచుకోరు ఎక్కువగా బద్దకిస్తే నిన్ను పనిలో ఉంచుకోరు ఎక్కువగా జాదా ఆలస్ కర్నే సే బద్దకిస్తే తుమ్హే నిన్ను కామ్ మే పనిలో నహీ రఖేంగే ఉంచుకోరు ఎక్కువగా బద్దకిస్తే నిన్ను పనిలో ఉంచుకోరు మోహన్ హర్ దిన్ आलस करते हुए स्कूल जाता है। मोहन हर दिन आलस करते हुए स्कूल जाता है। मोहन प्रतिरोजु बद्धकिस्तु स्कूल की वेल्ताडु। मोहन प्रतिरोजु बद्धकिस्तु स्कूल की वेल्ताडु। मोहन मोहन हर दिन प्रतिरोजु आलस करते हुए बद्धकिस्तु स्कूल जाता है। स्कूल की वेल्ताडु। मोहन प्रतिरोजु बद्धकिस्तु स्कूल की वेल्ताडु। दोस्तों, अगर आप घर के बड़े हैं, माँ हो, पापा हो, या दीदी हो, बड़े भैया हो, चाचा हो, दादा दादी, जो भी दोस्तों आपके सामने आपसे छोटे जो होते हैं, काम नहीं करके बस आलस करते रहेंगे, बैठे रहते हैं, तो आप उन्हें भविष्य के बारे में क्या बोलते हैं? आप ऐसे बोलते हैं, ज्यादा आलस करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कहा दोस्तों? ज्यादा आलस करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस वाक्य को तेलुगु में कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, एक्कुगा बद्धकिंचे वालू एप्पुडू मुंदुकु रालेरु। एक्कुगा बद्धकिंचे वालू एप्पुडू मुंदुकु रालेरु। ज्यादा आलस करने वाले, एक्कुगा बद्धकिंचे वालू कभी एप्पुडू आगे नहीं आ सकते, ముందుకి రాలేరు। ఎక్కువగా బద్దకించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ముందుకి రాలేరు। तो दोस्तों, ये वीडियो तो बहुत ही लंबा है दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू भी आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ इन वाक्यों को पढ़ें, समझें और कोशिश करें, जो भी आलस होगा या आलस करता होगा उनके ऊपर भी उपयोग करें दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग तेलुगु भाषा सीख रहे हैं, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितने ध्यान से मेरे वीडियो को देखे हैं और मेरे पूछे गए सवाल का सटीक उत्तर दिए हैं। तो आज का मेरा सवाल है, तुम ज्यादा आलस मत करो, तुम ज्यादा आलस मत करो, यही मेरा आज का सवाल है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दिल के साथ कमेंट भी दीजिएगा, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पूरा फ्री में अच्छी तरह से तेलुगु भाषा को बहुत ही अच्छी विधान से सिखाते रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जाने का समय भी हो गया है। तो ठीक है, आप लोगों से मैं लेता हूँ विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार।